बजरंगपुर नाम के गांव में पप्पू लोहार एक फोन बूथ चलाने का काम किया करता था और ऐसे ही अपना जीवन बिताया करता था। फोन बूथ गांव में होने की वजह से ज्यादा आमदनी पप्पू की ना हो पाती, लेकिन अपने फोन बूथ से पप्पू को बड़ा लगाव था। भाई साहब, मेरी ये चिट्ठी मेरे बेटे तक पहुंचा दो, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। हर बार मेरी चिट्ठी वापस आ जा रही है। एक सक्षम लड़के ने मुझे तुम्हारे दुकान का पता दे दिया और मेरे बेटे का मोबाइल नंबर दे दिया, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। हाँ जी बहन जी, चिट्ठी क्या चीज है, आपको मैं उससे सीधे बात करवा देता हूँ। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। वो सब तो ठीक है, एक मिनट बात करने का तुम्हें मुझे एक रुपया देना होगा। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही रुपए है और एक मिनट में मैं क्या क्या बातें कर पाऊंगी। उस महिला के नंबर बोलते ही पप्पू ने टेलीफोन में नंबर लगाया और कोने में खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगा। हाँ बबुआ, कैसन बा, तुम ठीक तो हो? खाना समय पर खा रहे हो या नहीं? अरे कौनो दिक्कत नहीं है। नहीं माँ, चरण स्पर्श, गांव में पिताजी की तबीयत कैसी है? भूरी गाय बचवा दिया या बछिया? मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आऊंगा माँ। हेलो हेलो, आवाज बड़ी धीरे आ रही है। तू माना तो मैं तुम्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाऊंगी। जब तक उनके बेटे की आवाज आती तब तक उनका कॉल कट चुका था। हेलो हेलो हेलो, बहन जी आपके एक मिनट हो गए, आप दोबारा लगा सकती हैं, लेकिन आपको पैसे देने होंगे। बेटा अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कट ही क्यों करती, उसे वैसे ही नहीं रहने देती। जाने दो बेटा, लेकिन आज मैंने अपने बच्चे की आवाज कितने दिनों बाद सुनी, इस वजह से बहुत खुश हूँ। पप्पू को उस औरत पर दया आ जाती है और तब पप्पू कहता है, एक काम करिए दाई जी, आप अपने बेटे को दोबारा फोन लगाकर उसे बात कर लीजिए, और हाँ इस बार आप पैसे मत दीजिएगा। सच में बेटा, तुम सच कह रहे हो, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया बेटा, मुझ बुढ़िया पर एहसान करने का। पप्पू ने दोबारा उस औरत को फोन डायल करके दिया, तब जाकर उस बूढ़ी औरत ने अपने बेटे से जी भर के बात की। बेटा तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, तुमने जो मेरे ऊपर उपकार किया है ना, ये बहुत बड़ा उपकार है। माँ जी, इसमें उपकार की क्या बात है, मैं सोचूंगा कि एक दिन की कमाई मैंने आपको दे दी बस, लेकिन इससे बढ़कर ये था कि आप अपने बेटे से जी भर के बात कर पाई। उस बूढ़ी औरत पर उपकार करके पप्पू खुश हुआ ही था कि उसकी पत्नी सुप्रिया ने देख लिया और बड़े ताने भरे अंदाज में कहा, अरे हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, तुम एक काम करो, सब कुछ सब में बांट दो, हमारे पास एक छोटी सी खेत है, हम उसी से काम चला लेंगे। अरे भाग्यवान, इतना क्यों उत्पात मचा रही हो, तुम इन सब में मत पड़ो, जाकर अपना काम करो। पप्पू और उसकी पत्नी सुप्रिया की बहस सुनकर बूढ़ी अम्मा को अच्छा नहीं लगा, तब जाकर उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, तुम ये पीतल का सिक्का ले लो और अपने टेलीफोन में डाल दो, मेरे पास ये एक सिक्का ही है जो मेरे दादाजी ने मुझे दी थी, शायद इससे तुम्हारा घर अच्छे से चल जाएगा, अपना और अपनी पत्नी का ध्यान रखना। उस पीतल के सिक्के को पप्पू उस टेलीफोन बूथ में डालता है। जैसे ही पीतल का सिक्का उस टेलीफोन बूथ में जाता है, एक बड़ी सी रोशनी टेलीफोन में आती है और टेलीफोन चमक उठता है और पूरा सोने का बन जाता है, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं। हाय माँ, इसमें कहीं करंट ना आ जाए, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, हाय रब्बा। नहीं नहीं डरो मत, पीतल के सिक्के से इसमें कुछ नहीं हुआ है। दोनों डर कर रुके ही थे कि उस टेलीफोन में से एक आवाज आई और टेलीफोन कहने लगा, जो सिक्का तुमने मेरे अंदर डाला है वो एक जादुई सिक्का है, लोगों के मन के मुताबिक वो सिक्का उन्हें उनका परिणाम देता है, ये एक इच्छा पूर्ति टेलीफोन बन गया है जो कि पूरा सोने का है। क्या सच, अब मजा आएगा, हमारे पास अब सोने का टेलीफोन है, इसका इस्तेमाल हम अच्छे कामों में करेंगे।
पागल हो गए हैं क्या जी आप? इससे मैं अच्छे से अच्छे गहने और खूब सारे पैसे मांगूंगी। सुप्रिया उस सोने की टेलीफोन को कान के पास लगाकर बोलने लगी। हे टेलीफोन देवा, मुझे कई सारे गहने और बहुत सारे पैसे दे दे। जैसे ही सुप्रिया ने इतना कहा, टेलीफोन गोल गोल घूमने लगा और उसमें से कई सारे गहने निकलने लगे, जिसे देखकर सुप्रिया बड़े खुश हुई। वाह वाह वाह, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। मजा आ गया, मजा ही आ गया। ये हुई ना कुछ बात। बस करो, अपनी लालच की टोकरी अपने पास ही रखो और जाकर घर का काम करो। अरे अभी थोड़ी, अभी तो मैं इस टेलीफोन से और भी बहुत सारी चीजें मांगूंगी, जिससे मेरा घर ठीक ठाक चलेगा। मजा आ गया, ये हुई ना कुछ बात। पप्पू और सुप्रिया का जीवन बदल चुका था। उन्होंने अपने लिए एक बड़ा सा घर भी बनवा लिया था। सुप्रिया पहले से बहुत ज्यादा लालची हो चुकी थी। एक दिन एक बच्चा मेले से खोकर उस टेलीफोन बूथ के पास पहुंच गया। मेरी माँ मेले में खो गई, मेरी मदद कीजिए, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? आओ बेटा, मेरे पास आओ, क्या चाहिए तुम्हें ये बताओ। अंकल अंकल, मेरी माँ खो चुकी है, मैं उनके तलाश में हूँ। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। पप्पू ने उस सोने की टेलीफोन से कहा। हे टेलीफोन, इस बच्चे की मदद करना, इससे अपने परिवार से मिला देना। पप्पू के इतना कहते ही टेलीफोन से उस बच्चे की माँ बाहर आ गई। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, मेरा बच्चा मुझे मिल गया, मैं आपसे बस यही चाहती थी। ये सब देखकर सुप्रिया का दिल दुख गया और वो टेलीफोन के पास गई और अपने पति पप्पू से कहने लगी। अब तुम देखना मैं इस टेलीफोन से क्या मांगती हूँ। भाग्यवान रुको, हमारे पास रहने खाने के लिए सब कुछ पर्याप्त है, तुम क्यों इस तरह से बर्ताव कर रही हो? सुप्रिया ने पप्पू की एक ना सुनी और उस टेलीफोन से जाकर कहने लगी। हाय सोने का टेलीफोन देवा, मुझे इस दुनिया का भगवान बना दे, सारा संसार मेरी पूजा करे। सुप्रिया के इतना कहते ही सुप्रिया के सारे गहने और आभूषण उस सोने के टेलीफोन में चले गए और टेलीफोन कहने लगा। अब से तुम जैसे बेईमान इस टेलीफोन को छू भी नहीं सकते, तुम्हें करंट लगेगा। सुप्रिया का हिसाब टेलीफोन ने सुप्रिया को दे दिया। देखा, मैंने कहा था ना, जब नाश मनुष्य पर जाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल गई। सुप्रिया वहां से रोते हुए चली जाती है, जिसके बाद पप्पू सोने के टेलीफोन की मदद से गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करता है और सोने के टेलीफोन के साथ अपना व्यापार खुशी खुशी करने लगता है। गिरधारी एक गरीब किसान है, उसके पास अपने कुछ पुश्तैनी खेत है, लेकिन गिरधारी ने बैंक से बहुत सारा कर्ज ले रखा है और खराब मौसम होने की वजह से उसकी फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। मुझे तो लगता है कि इस बार भी मौसम हमारा साथ नहीं देगा। ऐसा मत कहिए जी, अगर ये सच हुआ तो इस बार बैंक हमारे सारे खेत पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि हमने 6 महीनों से बैंक का लोन नहीं भरा है। भला मैं क्यों चाहूँगा कि हमारी फसल बर्बाद हो, पर सब कुछ मेरे हाथ में तो नहीं है ना। जैसे ही फसल पकने का समय आता है, आसमान से ओले बरसने लगते हैं और गिरधारी की सारी फसल खराब हो जाती है। गिरधारी और उसकी पत्नी विमला दोनों रोने लगते हैं। हाय राम, हम बर्बाद हो गए, अब तो बैंक वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं अगर हमारे खेत भी हमारे ना रहे तो हमारे किसान होने का क्या मतलब। अगले दिन गिरधारी के घर पर बैंक मैनेजर आती है। गिरधारी, तुमने 6 महीने से बैंक का लोन नहीं चुकाया है, हमें सारा लोन आज ही चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारे खेत जब्त कर लेंगे। ऐसा मत कहिए मैडम, आप एक किसान से उसका खेत छीन लोगे तो वो बेघर हो जाएगा। देखो, मुझे तुम्हें बेघर करने का कोई शौक नहीं है, पर मेरी भी मजबूरी है, मुझे भी आगे जवाब देना पड़ता है। अगर तुम्हारे पास लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं है तो खेत के कागज हमें दे दो, और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो लोन चुकाकर अपने खेत के कागजात वापस ले लेना और खेत तुम्हारे हो जाएंगे। गिरधारी ना चाहते हुए भी अपने खेतों के कागज बैंक मैनेजर को दे देता है। ये देखकर गिरधारी की पत्नी रोने लगती है। हम बर्बाद हो गए, आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि किसान होकर किसी के पास अपने खेत तक नहीं है, अब हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा,
कुछ दिन बीतने के बाद गिरधारी जंगल जाता है और वहाँ से एक थैले में भरकर मिट्टी लेकर आता है। ये लो, जंगल से एक थैला मिट्टी लेकर आया हूँ। इस मिट्टी से हम कुछ अपने छत पर उगा सकते हैं। पर इस मिट्टी को रखेंगे कहाँ? और कहाँ, अपनी छत पर। गिरधारी थैले में से मिट्टी को अपनी छत के कोने में बिखेर देता है। इसमें क्या बोएंगे? गेहूं, धान या कुछ और फसल तो नहीं बो सकते? क्यों ना हम इस मिट्टी में बांस के पौधे लगाएं? वैसे भी आजकल बाजार में बांस की बहुत मांग बढ़ गई है। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है, मैं अपने दोस्त से कुछ बांस के पौधे लेकर आता हूँ। गिरधारी जाकर अपने दोस्त से बांस के कुछ छोटे छोटे पौधे उधार मांग कर लाता है और अपने छत पर गिराई हुई मिट्टी में रोप देता है। हम इन पौधों की अच्छे से देखभाल करेंगे, अब यही हमारे जीने का सहारा है। अगर ये भी नहीं होंगे तो हमारी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। विमला हमेशा बांस के पौधों में एक एक बाल्टी पानी डालती है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में बांस के पौधे अच्छे हरे भरे हो जाते हैं। देखो विमला, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। हाँ, पर एक समस्या हो गई है। गर्मी के कारण कुएं का पानी सूखता जा रहा है। मुझे डर है कि कहीं पूरा सूखा ना पड़ जाए, नहीं तो हमारे बांस के पौधे भी सूख जाएंगे। विमला को जिस बात का डर था वही हुआ। कुछ ही दिनों बाद भयंकर गर्मी पड़ने से कुआं सूख जाता है, जिससे गिरधारी के घर में पानी की कमी हो जाती है। अब क्या करेंगे, घर में तो दो ही बाल्टी पानी है। मैंने गमले में भगवान जी के नाम का पीपल का पेड़ लगाया है, उसे भी पानी देना जरूरी है। अगर वो सूख गया तो मेरी पूजा बीच में ही खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तुमने एक महीने लगातार व्रत रखा है, तुम अपनी पूजा और अपना व्रत बीच में मत तोड़ना। तुम पीपल के पौधे को ही पानी दो, बांस के पौधों को रहने दो, जो होगा देखा जाएगा। विमला एक बाल्टी पानी ले जाकर गमले में डालती है, जिसमें उसने पीपल का पेड़ लगाया हुआ है, और गमले के पास में दिया जलाकर पूजा करने लगती है। आज विमला की पूजा को एक महीना बीत चुका है, जिससे उसकी पूजा संपन्न हो जाती है और उसे एक चमत्कार देखने को मिलता है। देखिए जी, इस भयानक गर्मी में भी पीपल के पौधे ने पानी नहीं पिया और इस गमले में पानी जैसे का तैसा ही है। लगता है ये भगवान का कोई चमत्कार है। तुम जाकर ये पानी बांस के पौधे में डाल दो। विमला पीपल का पौधा वाला गमला उठाकर उसे छत पर ले जाती है और उसका पानी बांस के पौधों के जड़ों में डालती है। वो पानी डालती जाती है पर वो गमला खाली नहीं होता। अजी सुनते हैं, जरा इधर आइए। क्या हुआ? ये देखिए, मैं पानी डालते ही जा रही हूँ पर ये गमला खाली ही नहीं हो रहा है। ये सब तो भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। जो तुमने एक महीने लगातार व्रत रखकर पूजा की है, ये सब उसी का फल मिल रहा है। इसका मतलब अब हम रोज इस सूखे में भी अपने बांस के पौधों को पानी दे सकते हैं। हाँ हाँ, जरूर दे सकते हैं। अब विमला हर दिन इस गमले में से बांस के पौधों में पानी डालती है और कुछ दिन बीत जाने के बाद एक सुबह होने पर विमला और गिरधारी जगते हैं तो वो देखते हैं कि उनके बांस के पौधे बहुत लंबे और घने हो चुके हैं और उनसे एक अलग तरह की रोशनी चमक रही है। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। देखिए जी, प्रभु की लीला, हमारी मेहनत रंग लाई है और बांस के पौधे पूरी छत पर फैल गए हैं। ये पूरा बांस का जंगल ही बन गया है। लगता है अब यही बांस के पौधे हमें हमारे खेत वापस दिलाएंगे। विमला और गिरधारी खुश हो जाते हैं, पर जब रात होती है तो बांस के पौधों में एक अलग सी चमक होने के कारण एक चोर का ध्यान इस पर जाता है और वो चोरी करने के लिए गिरधारी के छत पर पहुंच जाता है। अरे वाह, इतने लंबे लंबे बांस, मैं तो इनमें से एक ही बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। चोर एक लंबे बांस की लटकी हुई टहनी को पकड़ता है और जैसे ही टहनी को नीचे के लिए खींचता है, लचीली होने के कारण टहनी ऊपर के लिए उछलती है और चोर उछलकर बांस के ऊपरी भाग में पहुंच जाता है। अरे बाप रे, मर गया मैं, यहाँ कैसे आ गया, अब नीचे कैसे उतरूंगा? अगर यहाँ से गिरा तो मेरी हड्डी पसली सब टूट जाएगी। चोर दूसरे बांस के तने में पैर रखकर नीचे आने की कोशिश करता है पर वो बांस भी लचीली होने के कारण उसे उछाल देती है और चोर वहाँ से दूर जाकर एक रेगिस्तान में गिर जाता है। अगली सुबह गिरधारी उठता है
और विमला के साथ मिलकर बांस काटने लगता है। मुझे लगता है बांस अब पूरी तरह से काटने के लिए तैयार है, हमें इन्हें काट कर बाजार में ले जाना चाहिए। हाँ, वैसे भी फसल बोने का समय नजदीक आ रहा है, उससे पहले हम इन्हें बेचकर अपने खेतों को बैंक से छुड़वा लेंगे। विमला और गिरधारी दोनों मिलकर बांस काटते हैं और उन्हें बाजार में ले जाते हैं। तभी एक सुनार की नजर गिरधारी पर जाती है और वो गिरधारी के पास आकर कहता है, सोने के बांस कहाँ लेकर जा रहे हो? ये तो बहुत कीमती है। मैं इन्हें बेचने जा रहा हूँ। तुम ये सोने के बांस मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इनकी अच्छी कीमत दूंगा। गिरधारी सभी सोने के बांसों को सुनार को बेच देता है और सुनार इसके बदले गिरधारी को बहुत सारे पैसे देता है। इन पैसों को गिरधारी बैंक में जमा कर देता है और अपने खेतों को बैंक से छुड़ा लेता है। ये लो, बैंक ने हमारे कागज वापस दे दिए, अब हम खेती कर सकते हैं। अगले दिन विमला और गिरधारी अपने खेतों को जोतने और उनमें फसल बोने के लिए खेतों की तरफ निकल पड़ते हैं। अब गिरधारी और विमला अपने खुद के खेतों में खेती करके अपना सुखी जीवन जीने लगते हैं। उधमपुर गांव में दो जाति के लोग रहते हैं, एक है ऊंची जाति के अमीर लोग और दूसरे हैं निचली जाति के गरीब लोग। ऊंची जाति के अमीर लोग हमेशा अपने गांव के निचली जाति के लोगों को भला बुरा सुनाते, इसके साथ ही उनका अपमान करने के लिए हर निचली जाति के लोगों के नाम के पीछे लाल लगा शब्द का प्रयोग करते। एक दिन एक निचली जाति का लड़का सोहन ऊंची जाति के लोगों के ऑफिस में नौकरी की तलाश में आता है। साहब, मेरा नाम सोहन है और मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। क्या नाम बताया तुमने अपना? सर, मेरा नाम सोहन है। तुम्हारा नाम सोहन लाल है और तुम नीची जाति के हो समझे, इसीलिए अपने नाम के पीछे लाल लगाया करो। और हाँ, तुम्हें पता है ना, हमारे ऑफिस में निचली जाति के लोग काम नहीं करते, दफा हो जाओ यहाँ से। पर साहब, मेरे पास डिग्री है और मुझे ऑफिस का सारा काम आता है। तुम्हारे पास डिग्री हो या फिर सोने के बिस्किट, मुझे उससे क्या लेना देना। हाँ, वो तो तुम निचली जाति के गवार ही ना। इस तरह से अपनी बेइज्जती होते देख सोहन चुपचाप ऑफिस से चला जाता है। सोहन एक पढ़ा लिखा और होशियार लड़का है, कोई भी अमीर लोग उसे अपने ऑफिस में काम नहीं दे रहे थे। आज ऑफिस में हुई बेइज्जती की वजह से सोहन रोने लगता है। उसे रोता हुआ देख एक निचली जाति का लड़का सुनील उसके पास आता है। क्या हुआ भाई, रो क्यों रहे हो? भाई, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हें पता नहीं हम निचली जाति के लोगों के लिए कोई नौकरी है ही नहीं। पर मैं कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ और मेरे पास तो डिग्री भी है। भले ही तुम कितना भी पढ़ लिख लो, लेकिन वो लोग इस बात को थोड़ी ना समझेंगे। सही कहा भाई तुमने, आज मैं ऊंची जाति वाले आदमी के ऑफिस में नौकरी की तलाश करने के लिए गया था, उसने मुझे बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। हमारे किस्मत में सिर्फ अमीर लोगों के कपड़े धोना लिखा है, उनके साथ ऑफिस में बैठकर काम करना नहीं। और जितना जल्दी हो सके तुम ये बात समझ लो और धोबी घाट पर कपड़े धोने के लिए आ जाओ। सोहन समझ जाता है कि उसे नौकरी नहीं मिलेगी, इसीलिए वो अगले दिन से धोबी घाट पर कपड़े धोने के लिए चला जाता है। नीची जाति के सभी लोग दिन भर मेहनत करके धोबी घाट पर अमीर लोगों के कपड़े धुलकर अपनी रोजी रोटी चलाया करते हैं। पर एक दिन अचानक से कुछ अमीर लोग धोबी घाट के सामने कारखाना बनाने के लिए आते हैं और निचली जाति के धोबियों को धोबी घाट खाली करने की धमकी देते हैं। हम लोग यहाँ सामने मैदान में एक बड़ा कारखाना खोल रहे हैं, तुम सभी लोग ये धोबी घाट छोड़कर यहाँ से कहीं और चले जाओ। पर ये धोबी घाट तो हमारी है, अगर हम इसे छोड़ देंगे तो खाएंगे पियेंगे क्या? तू तो वही है ना जो कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस में काम मांगने के लिए आया था? हाँ, मैं वही हूँ जिसे पढ़ा लिखा और डिग्री होने के बावजूद भी आपने काम पर नहीं रखा। बहुत जुबान चल रही है तेरी, भूल गया कि तू निचली जाति का है? कैसे भूल सकता हूँ साहब, इसी वजह से तो काबिल होने के बावजूद भी मैं यहाँ धोबी घाट पर कपड़े धो रहा हूँ
और आप बिना डिग्री के भी ऑफिस में कुर्सी पर बैठकर बिना मेहनत करे तनख्वाह ले रहे हैं। बदतमीज, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। अगर तुम लोगों ने आज के आज धोबी घाट खाली नहीं किया तो तुम लोगों को गांव से निकलवा दूंगा। इतना कहकर दीपक गुस्से में वहां से चला जाता है। निचली जाति के लोगों के पास धोबी घाट पर काम करने के अलावा रोजी रोटी का दूसरा कोई साधन नहीं है, इसीलिए वो लोग धोबी घाट को खाली नहीं करते हैं। तब दीपक एक पंचायत बुलाता है। सरपंच जी, हम लोग धोबी घाट के सामने के मैदान में कारखाना खोलना चाहते हैं, पर इस धोबी घाट की वजह से कोई भी ऊंची जाति का आदमी उस कारखाने में काम करने के लिए तैयार नहीं है। सरपंच खुद ऊंची जाति का है, इसलिए वो दीपक की बात मानकर निचली जाति के लोगों को धोबी घाट खाली करने के लिए कहता है। अगर कारखाना खुलेगा तो इससे हमारे गांव का विकास होगा, इसलिए आप सभी लोग इस धोबी घाट को खाली करके कहीं और चले जाइए, यही पंचायत का फैसला है। सरपंच साहब, कारखाने के सामने धोबी घाट होने से क्या नुकसान है? तुम पंचायत के फैसले पर उंगली उठाकर पंचायत का अपमान कर रहे हो। साहब, अगर धोबी घाट छोड़ना पड़ेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? ये तो तुम ही लोग जानो कि कहाँ जाओगे और क्या खाओगे। बस पंचायत का फैसला है कि तुम लोग धोबी घाट खाली कर दो। निचली जाति के लोगों को पंचायत का फैसला मानकर धोबी घाट को खाली करना पड़ता है। सभी लोग अपना सारा सामान लेकर पहाड़ी पर चले जाते हैं और पहाड़ी पर झरने के नीचे काम शुरू करते हैं। सोहन गीले कपड़े को धोने के लिए पहाड़ी पर पटकता है, जिससे पहाड़ी पर लगी धूल मिट्टी साफ हो जाती है और वो जगह चमकने लगती है। सोहन को कुछ भी समझ नहीं आता। उसे लगता है कि सूर्योदय के कारण सूरज की किरण पहाड़ी पर गिरने से पहाड़ी चमक रही है। वो अपने दोस्त सुनील को आवाज देता है। सुनील भाई, ये देखो, ये पत्थर सूरज की रोशनी से कैसा चमक रहा है। पत्थर की चमक देखने के लिए सुनील पास आता है तो ये देखकर वो चौंक जाता है। ये सूरज की रोशनी से नहीं चमक रहा, बल्कि ये तो सोने का पत्थर है। क्या सच कह रहे हो? मैंने कई साल पहले एक सुनार के साथ काम किया था। सोने की चमक को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। चलो देखते हैं और कितने पत्थर हैं सोने के। सोहन और सुनील पहाड़ी के दूसरे पत्थरों पर गीले कपड़े पटकते हैं, जिससे उन पर लगी धूल मिट्टी की परत हट जाती है और सभी सोने के पत्थर चमकने लगते हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। ये तो पूरा का पूरा पहाड़ सोने का है। हाँ, इस सोने को बेचकर हम लोग अपने लिए पक्के मकान बना सकते हैं और खुद के लिए एक कारखाना भी खोल सकते हैं। सभी निचली जाति के लोग पहाड़ से कुछ सोना लेकर उसे शहर में ले जाकर बेचते हैं और उससे मिले पैसों से अपने लिए पक्के मकान बनवाते हैं। सुनील और सोहन सोने बेचकर मिले पैसों से अपना एक नया कारखाना खोल देते हैं। दूसरी तरफ दीपक और बाकी अमीर लोगों का कारखाना आर्थिक मंदी की वजह से बंद हो जाता है और जब उन्हें सोने के धोबी घाट का पता चलता है तो सभी अमीर सोना लेने के लिए पहाड़ी पर आते हैं। दीपक निचली जाति के लोगों से छुपकर अपनी जेब में भर लेता है, पर उसे ऐसा करते हुए सुनील देख लेता है। चोर, चोर! सुनील की आवाज से सभी निचली जाति के लोग दीपक को मारने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, पर तभी सोहन बीच में आ जाता है। ऐसा क्या हुआ साहब जी, जो आपको चोरी करने की नौबत आ पड़ी? मैं चोर नहीं हूँ। आर्थिक मंदी की वजह से हमारा कारखाना बंद हो गया है और हमारा सारा पैसा बर्बाद हो गया। हम सब लोगों के घर तक बिकने वाले हैं। आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे कारखाने में नौकरी कर सकते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने अपने ऑफिस में तुम्हारी बहुत बेइज्जती की थी। कोई बात नहीं, मैं उस बात को भूल गया हूँ। सोहन दीपक और बाकी सब अमीर लोगों को माफ कर देता है और सभी अमीर लोगों को अपने कारखाने में नौकरी दे देता है। और अब सभी निचली जाति और ऊंची जाति के लोग
मिलजुल कर खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं।